नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। न्यूयॉर्क में एक पत्रकार एक साधु का इंटरव्यू ले रहा था, राइट? इंटरव्यू में पत्रकार ने साधु से पूछा कि आपने अपने पिछले जो लेक्चर थे उसमें कॉन्टेक्ट और कनेक्शन के बारे में बात की थी, यानी संपर्क और संयोग के बारे में बताया था, राइट? लेकिन मैं उस लेक्चर के बाद ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, सो क्या आप उसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे? साधु ने कहा, बिल्कुल। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे बताएं। तो पत्रकार ने कहा कि देखिए, आपने जो कॉन्टेक्ट और कनेक्शन के बारे में बात किया था, संयोग और संपर्क के बारे में जो बात किया था, वो मैं नहीं समझ पाया हूँ, उसे आप मुझे फिर से समझा दें। साधु मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने पत्रकार से ही कुछ अलग चीज़ें पूछनी शुरू कर दी। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आप कहाँ से हैं। पत्रकार ने कहा, मैं न्यूयॉर्क से हूँ, मैं अमेरिका से न्यूयॉर्क से हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में कौन कौन है, राइट? उन्होंने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। पत्रकार थोड़ा कन्फ्यूज हुआ। पत्रकार को ये लगा कि ये इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या साधु मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन चलो उसने लगा कि हो सकता है ये कुछ बताएं। और पत्रकार ने साधु को रिप्लाई किया, कहा कि मेरे घर में मेरी माता अब नहीं है, मेरे पिता हैं और साथ में हम तीन भाई हैं और एक बहन है, सभी शादीशुदा हैं, उसने ये बताया। साधु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा कि अच्छा मुझे अब आगे ये बताओ कि आप अपने पिता से बात करते हैं। पत्रकार बड़ा कन्फ्यूज़ हुआ। पत्रकार को लगा कि भाई ये क्या बात हुई, ये क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन साधु ने फिर से एक सवाल को दोहराया और उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या अपने पिता से आप बात करते हैं। पत्रकार थोड़ा गुस्सा हो गया, उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने फिर से कहा कि हाँ मैं बात करता हूँ, शायद एक महीने पहले मेरी अपने पिताजी से बात हुई है। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्या आप अपने भाई और बहन से अक्सर मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या परिवार के जैसे उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं? इस सवाल के सुनने के बाद पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया और उसे फिर से ये लगने लगा कि ये साधु महाराज आखिर मेरे से इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलो, बातें को करना था, इसलिए उन्होंने फिर कहा कि हाँ हम लोग बिल्कुल मिले थे, और अभी तो नहीं लेकिन लगभग दो महीने पहले जब क्रिसमस था, क्रिसमस के पहले हम सारे भाई बहन और पिता सभी लोग मिले थे। साधु ने फिर पूछा कि अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आप कितने दिनों तक साथ में रहे, आप सारे लोग जो भाई और बहन हैं वो कितने दिन तक साथ में रहे। अब पत्रकार थोड़ा इमोशनल होने लगा, पत्रकार के अंदर में जो भावनाएं हैं ना वो जगने लगी और उसके आंखों में थोड़े आंसू आने लगे और उसने कहा कि लगभग दो दिन हम लोग साथ में रहे थे, राइट? अब साधु ने एक और सवाल पूछा। साधु ने पूछा कि अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आप सारे लोग जब मिले थे आपने अपने पिता के साथ बैठ करके कितनी देर वक्त बिताया। अब पत्रकार थोड़ा हैरान और शर्मिंदा होने लगा, उसे वो पूरे वाकयात याद आने लगे जब दो महीने पहले क्रिसमस के मौके पर पूरी फैमिली के साथ में सभी लोग मिले थे एक परिवार के जैसे, और उस वक्त सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रह गए थे, पिता के पास बैठने की किसी को समय नहीं मिल पाई थी। साधु ने पूछा, क्या आपने अपने पिता के साथ बैठ करके नाश्ता, लंच या डिनर साथ में किया? क्या आपने अपने पिता से कभी ये जानने का प्रयास किया कि माता के देहांत के बाद में उनका जीवन कैसे बीत रहा है, राइट? उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? ये सवाल के पूछने के बाद पत्रकार के दिमाग में घंटियां बजने लगी, वो बड़ा ही परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया, और शर्मिंदा होने के बाद वो बड़ी शर्मिंदगी के साथ में अपनी आंखों को नीचे झुका लिया, क्योंकि उसको सारी वो घटनाएं याद आ रही थी कि हम लोगों ने बिल्कुल वक्त नहीं बिताया था, हम सारे भाई बहनों ने किसी ने भी पिता के साथ में वो समय नहीं बिताया था। साधु उनकी परेशानी को समझ गए और उन्होंने बड़े प्यार से उस पत्रकार के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा कि भाई आप शर्मिंदा या दुखी मत हों, ये दुखी या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है,
मेरा मकसद आपको कुछ बातों को स्पष्ट करना था। मुझे बहुत खेद हो रहा है कि अनजाने में अगर मेरे बातों ने आपको चोट पहुंचाई हो, लेकिन आपको समझाने का ये तरीका ही मेरे पास था, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछे। और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे से प्रश्न किया था कि कनेक्शन और कॉन्टेक्ट के बारे में मैं कन्फ्यूज हूँ, तो शायद अब आपको उत्तर मिल गया होगा। आप अपने पिता के साथ संपर्क में हैं, लेकिन शायद कनेक्शन में नहीं है, आपका जुड़ाव नहीं है पिता के साथ। आप बात तो करते हैं, महीने दो महीने में कभी बात तो कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर आपका जुड़ाव उनके साथ नहीं है। यानी यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ योर फादर, बट यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर फादर। दोस्तों, कनेक्शन हमेशा आत्मा के साथ आत्मा का होता है, हर्ट से हर्ट का होता है। एक साथ बैठना, भोजन करना, एक दूसरे की देखभाल करना, आपस में स्पर्श करना, आंखों का संपर्क होना, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें कनेक्शन में लेकर के आती हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहन सबके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहते हैं, लेकिन ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम उनके साथ कनेक्शन में हैं। जैसे पत्रकार के सामने जब ये सवाल आया तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो अपनी भूल को रियलाइज कर पाया और फाइनली उसने साधु से कहा कि एक बहुत ही अच्छा, जीवन बदलने वाला सबक देने के लिए आपके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाया और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन। अभी के हालात में सभी व्यक्ति अपने नकली दुनिया में, आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में खोए पड़े हैं। फेसबुक पर लोगों के हज़ारों लोग कॉन्टैक्ट में होते हैं, फ्रेंड लिस्ट में शामिल होते हैं, व्हाट्सएप पे कितनी सारी ग्रुप्स के लोग एडमिन रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हज़ारों लाखों लोगों के लिस्ट होती है। लेकिन एक ईमानदार सवाल खुद से पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम उनमें से अधिकांश लोगों के साथ कनेक्शन में हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये जो साधु की बात मैं कर रहा था, ये साधु और कोई नहीं, ये साधु हमारे भारत के महान सपूत स्वामी विवेकानंद जी थे और उनसे ये सवाल पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि ये आज की जो स्टोरी है पूरी, ये स्टोरी आपको दिल के तारों को कहीं ना कहीं झकझोरेगी और आपको एक सवाल खुद से पूछने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी कि हमारे इस दुनिया में जो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, उसमें से कितने लोग हमारे कनेक्शन में हैं। आप अपने परिवार में अपने लोगों के साथ क्या कनेक्टेड हैं? अगर आप बिजनेस में हैं, क्या आप अपने मेंटोर के साथ में कनेक्शन में हैं या केवल कांटेक्ट में हैं? फ्रेंड्स, कनेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कनेक्शन जो हर्ट टू हर्ट होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की कदर करना, उनके साथ वक्त बिताना, ये चीज़ें हमें कनेक्शन में लेके आती हैं। एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड, ग्रेट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, जिंदगी खूबसूरत बनने लगती है, बड़े आनंद के साथ आप जीवन जीने लगते हैं। कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बी कनेक्टेड विथ योर नियर एंड डियर वन, बी कनेक्टेड विथ योर मेंटर अप्लाइंस, गेट कनेक्टेड विद द सुप्रीम पावर, गेट कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ एंड स्टार्ट योर लाइफ लाइक अ किंग साइज। जीवन का शानदार आनंद लें। अगर आप कनेक्शन में हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि यस, आई एम इन कनेक्शन विथ माई फैमिली मेम्बर्स, आई एम इन कनेक्शन विथ माई अप्लाइंस, आई एम इन कनेक्शन विथ माई मेंटर, आई एम इन कनेक्शन विथ द सुप्रीम सेल्फ एंड आई कैन ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं उनके साथ हायर लेवल पर कनेक्टेड हूँ। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉइंट के साथ में बहुत जल्दी आपके साथ लगातार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने लोगों तक भी पहुँचाएं, पता नहीं आपका ये कौन सा वीडियो आपको उनके साथ कनेक्शन में लेके आ जाए और आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए। राइट, सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू एवरीवन।